नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरांता सिंह। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉ बी.डी. मिश्रा ने राजभवन में मेजर जनरल गणेश सिंह बिस्ट को अरुणाचल प्रदेश राज्य सेवा आयोग के सदस्य पद की शपथ दिलाई। भारत का महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद नई दिल्ली में शुरू। सम्मेलन में ईरान सहित भारत देश के विदेश मंत्री विभिन्न मुद्दों पर कर रहे हैं विचार विमर्श। भारत चीन सीमा से लगे अपर सुबनसिरी जिले के ताक्सिंग में भारतीय सेना ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर लगाया स्वास्थ्य शिविर। शिविर में दी गई केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी। राज्यपाल डॉ बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित एक समारोह में मेजर जनरल रिटायर्ड गणेश सिंह बिष्ट को अरुणाचल प्रदेश राज्य सेवा आयोग के सदस्य पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्य के गृहमंत्री बमंग फेलिक्स, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, पर्यटन मंत्री नाकाप नालो, अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष निपो नाबाम, राज्य के प्रभारी मुख्य सचिव एस शर्मा सहित कई आला अधिकारी उपस्थित थे। And we will bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly and with impartiality. So help me God. Oath of secrecy. I, Major General Ganesh Singh Bisht, BSM retired, do swear that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a member of Arunachal Pradesh Public Service Commission, except as may be required for the discharge of my duties as such member. So help me God. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रायसीना संवाद महत्वपूर्ण वैश्विक और रणनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक उपयोगी मंच रहा है। वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद कल शाम नई दिल्ली में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। न्यूजीलैंड, कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, भूटान, दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्रियों और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी सत्र में भाग लिया। तीन दिन के सम्मेलन में रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ सहित 12 देशों के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग के पांचवें संस्करण की शुरुआत मंगलवार से राजधानी नई दिल्ली में हो गई। इस डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और 7 देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्षों के विचारों को ध्यान से सुना। ये अपनी तरह के सबसे बड़े समागमों में से एक है। इस 3 दिन के सम्मेलन में 12 देशों के विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रायसीना डायलॉग की मुख्यतया 3 विशेषताएं हैं, जिनमें विचारों के आदान प्रदान के साथ साथ सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना शामिल है। रायसीना डायलॉग हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। 1, व्हाइल फोकस्ड ऑन चेंज, डिसरप्शंस एंड रीबैलेंसिंग अंडरवे इन द वर्ल्ड, इट कवर्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डिबेट्स। Most important, it is truly contemporary. 2, its participants are equally diverse. They range from policy makers and executors to thinkers and activists. The diversity addresses all yardsticks, whether of geography, demography, ideology, gender, or interest. 3, this platform brings together representatives and individuals who you may not commonly find at the same location at the same time.
The exchange of perspectives that this allows could possibly grow into something more with the passage of time. पहले दिन कनाडा के पूर्व पीएम स्टीफन हार्पर, भूटान के पूर्व पीएम शेरिंग टोबगे, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, डेनमार्क के पूर्व पीएम, साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति समेत सात राष्ट्राध्यक्षों ने संबोधित किया और अपनी बातें रखी. That Afghanistan is perhaps closer to India in lots of ways, and it's the right place for me to thank Honorable Prime Minister of India for all the support given to the Afghan people and for continuing to hold us in very close, dear terms. The developed world must step forward. We need champions. When you talk of climate change, it is this is a tragedy of commons in a truly global scale. And to solve such a problem, you need global champions. And champions must come from all countries, India included, but especially the developed world. इस तीन दिवसीय सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में दुनिया के 30 थिंक टैंक भी अपने विचार रखेंगे. कार्यक्रम के दौरान दुनिया के समक्ष वैश्वीकरण से जुड़ी चुनौतियों, 2030 का एजेंडा, आधुनिक दुनिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद का मुकाबला जैसे मुद्दों पर वो अपनी राय रखेंगे. देश भर में आज 72वां सेना दिवस मनाया जा रहा है. आज ही के दिन देश के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल की एम कड़ियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ एफ आर आर बुशर से सैन्य कमान अपने हाथों में ले ली थी. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर भारतीय सेना के वीर जवानों, अवकाश प्राप्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है. इस अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सभी सैन्य कर्मियों, उनके परिवारों, अवकाश प्राप्त सैनिकों, वीर नारियों और सशस्त्र बलों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने उच्चतम स्तर की दक्षता का प्रदर्शन किया है और ये कई तरह की जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में कामयाब रही है. श्री नरवणे ने कहा कि हमारी सेना नई और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की तरफ तेजी से बढ़ रही है ताकि हम आधुनिक क्षमताओं से लैस रहें और युद्ध में विजय हासिल कर सकें. उन्होंने कहा कि जनमानस में सेना के प्रति हमेशा गौरव का भाव रहा है. इस मौके पर सेना प्रमुख ने उल्लेखनीय योगदान के लिए कई सैनिकों को सम्मानित किया. उत्तरी सीमा पर स्थिति अनुमन शांतिपूर्ण है. हम म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी. सेना दिवस के अवसर पर आज नमसाई में भारतीय सेना के दाव डिवीजन के लोहित ब्रिगेड द्वारा हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई. अरुणाचल यूनिवर्सिटी में आयोजित इस प्रदर्शनी में सैन्य कर्मियों ने स्थानीय युवाओं को सेना के बारे में जानकारी दी. सैन्य कर्मियों द्वारा विद्यार्थियों को सेना द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न हथियारों और उपकरणों के अलावा सेना में रोजगार के अवसरों के बारे में भी जानकारी दी. इसका उद्देश्य युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है. Guarding our frontiers, that is the borders, looking after the counterinsurgency operations, the army also has a mandate of reaching out to the local people. That is the youth, local populace of the areas. You see, any remote area, wherever even civil administration is not able to reach, there is a reach of army. Of course, it is coherent to the structure, our operational purpose, mandate. So wherever it is, we get an opportunity, we try to reach out to the people. राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख में इन दिनों एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों के एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण ले रहे हैं. इसमें तेजपुर, गुवाहाटी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एनसीसी संभाग के करीब 600 कैडेट शामिल हैं. ये कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा परेड, हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं. इन कैडेटों को सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर परिचर्चा में भाग लेने का अवसर भी मिल रहा है. सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अब अनिवार्य होगी. ये जानकारी देते हुए खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अब हॉलमार्क किए हुए सोने आभूषण 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट की तीन श्रेणियों में उपलब्ध होगी. श्री पासवान ने कहा कि यह नई प्रणाली आभूषण निर्माण की व्यवस्था में भ्रष्टाचार
और अनियमितता को समाप्त करेगी, साथ ही हॉलमार्किंग से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो पाएगी। श्री पासवान ने कहा कि इस समय देश के 234 यानी 234 जिलों में 892 एसिंग और हॉलमार्किंग केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में देश में ऐसे और अधिक केंद्र खोलने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत सभी आभूषण निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो में अपना पंजीकरण कराना होगा। अभी तक 28,000 से अधिक आभूषण निर्माता अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर दोषी को प्रति नगद कम से कम 1,00,000 रुपया उसी कीमत का 5 गुना जुर्माना देना होगा। ये एक साल का समय भी तो दिए है ना, एक साल के अंदर में हम अपना जो हमारा अभी अभी कुल मिलाकर के इन्होंने बताया ना कितना अभी 800 अभी अभी कुल मिलाकर के जो है 892 जो है हॉलमार्किंग केंद्र है और 234 जिला में है, तो 600 जिला है। तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग उसमें प्रायोरिटी ले रहे हैं। भारत चीन सीमा से लगे अपर सुबनसिरी जिले के ताक्सिंग में भारतीय सेना ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य शिविर लगाया। इस शिविर में जिला उपायुक्त कामतो दांगेन, जिला चिकित्सा अधिकारी दी तक, स्कूली शिक्षा उपनिदेशक आक्रोंग गारम, जिला प्रयोजन अधिकारी सहित कई और अधिकारियों ने दूर दराज के सीमावर्ती गाँव में स्थानीय लोगों की चिकित्सा जरूरतों के अलावा चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मैं कई जगह देखा हमारा डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है और बहुत सारा रिक्वेस्ट, बहुत सारा डिमांड आता है, बहुत कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम्स लोकली सॉल्व कर सकता है। मैं काफी स्कूल्स देखे, जो मैं स्कूल बिल्डिंग्स देखा है उससे ये अच्छा है, ये तो सीधा सा बात है, मैं इसको अच्छा देखा। अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला कल से आरंभ हो गया। देश भर में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर इस पावन कुंड में स्नान के लिए आते हैं। लोही जिला प्रशासन के अनुसार 12,000 से अधिक श्रद्धालु अब तक मेले में आ चुके हैं। ऐतिहासिक परशुराम कुंड लोहित नदी क्षेत्र में अवस्थित है। महात्म तीर्थ स्थान है, तपोभूमि है, यहाँ पर सभी बाल बच्चे सभी इंसान को नहाने का अधिकार है, कोई भी नहा सकता है और जिसको श्रद्धा होता है वो अपने माँ बाप के नाम में तर्पण करता है। असम में माघ बिहू का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। माघ बिहू त्यौहार असम का एक विशेष त्यौहार है। इसे असम की प्रचलित भाषा में बोगाली बिहू त्यौहार भी कहा जाता है। माघ बिहू का त्यौहार असम में फसलों की कटाई खत्म होने के बाद खुशी मनाने के लिए मनाया जाता है। माघ बिहू का उत्सव मकर संक्रांति से शुरू होता है और पूरे सप्ताह तक चलता है। माघ बिहू पर्व मनाने के लिए देश भर के लोग असम आते हैं। बिहू के अवसर पर राज्य भर में लोक संस्कृति के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।